राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के चलते राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली पुलिस ने पूरा दिन घर में नजरबंद कर दिया। इस दौरान दीपेंद्र ने ट्वीट कर कहा, आज सारा दिन अपने ही निवास पर एक कैदी बनकर रहा। भारत, भारत के संविधान और भारत के महान लोकतांत्रिक मूल्यों का मान मर्दन करने वाले इन बैरिकेड्स को मैं अपने आवास के आभूषण के रूप में स्वीकार करता हूँ। व्यक्ति कैद किया जा सकता है, विचार नहीं। अब दमनकारी राजनीति का अंत निकट है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर को पुलिस द्वारा यूं चारों ओर से ब्लॉक कर दिया गया है। हम स्वयं अपने दफ्तर नहीं जा सकते, प्रयास मात्र पर गिरफ्तारी। क्या आज तक कभी भाजपा के किसी ब्लॉक स्तर के दफ्तर पर भी किसी पूर्व की सरकार ने आंच पहुँचाई है? दीपेंद्र हुड्डा ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मुझसे मेरे ही घर से बाहर निकलने की आजादी छीनने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर पोस्टर कह रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली आवास पर ही नजरबंद कर दिया था। सुबह पहले दीपेंद्र हुड्डा बैरिकेड्स देखकर बाहर आए और पुलिस अधिकारियों से कहा, हमने अपने कार्यकर्ताओं के लिए चाय और समोसे मंगवाए हैं, आप भी आकर खा लें, हम जब प्रदर्शन करेंगे तो आपको बता देंगे। इसके बाद वो घर के अंदर चले गए। दोपहर को दीपेंद्र जब फिर से बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस ने उन्हें बाहर ही नहीं निकलने दिया।